टीम इंडिया का आयरलैंड दौरा खत्म हो गया है। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2-0 से इस सीरीज पर कब्जा किया है। शानदार जीत से अलग खिलाड़ियों की मस्ती भी जारी है। खिलाड़ी ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स भी आयरलैंड में जमकर मजे ले रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, तनश्री सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उनकी तस्वीरें काफ़ी पसंद की जाती हैं। वो अच्छी डांसर भी हैं। यजुवेंद्र चहल के साथ उनकी पत्नी भी इस दौरे पर हैं। वो यहाँ घूमती नजर आई हैं। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद की जा रही हैं। बता दें, टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री वर्मा भी इन दिनों आयरलैंड में है। धनश्री ने यहाँ आयरलैंड की सड़कों पर जमकर डांस करते हुए रील बनाई है। उनका ये रील इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, धनश्री वर्मा ने गोविंदा के गाने सोना कितना सोना पर डांस किया। इस वीडियो को अभी तक 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और लगातार ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। दरअसल हमेशा अपने ग्लैमरस लुक और डांस के चलते सुर्खियों में रहने वाली धनश्री वर्मा इन दिनों आयरलैंड की ठंड का मज़ा ले रही हैं और धमाकेदार डांस कर रही हैं। बता दें, धनश्री वर्मा ने 28 जून को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बॉलीवुड के फेमस डांसिंग कपल गोविंदा और करिश्मा के गाना सोना कितना सोना पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में धनश्री वर्मा वाइट पैंट और वाइट शर्ट के साथ ब्राउन कलर का क्रॉप टॉप पहनी नजर आ रही हैं और अपने मूव से फैंस को दीवाना बना रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, अभी 2 दिन पहले ही धनश्री वर्मा अपने पति यजुवेंद्र चहल और टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ डबलिन में घूमती नजर आई थी। तीनों ने डबलिन में खूब मस्ती करी और खूब मस्ती करते हुए फोटो भी शेयर की थी। आपको बता दें, धनश्री वर्मा एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं। वो लगातार इंस्टाग्राम पर अपने डांस के वीडियो शेयर करती रहती हैं। धनश्री वर्मा ने यजुवेंद्र चहल के साथ मिलकर कई सारी रील्स बनाई हैं जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वहीं अगर टीम इंडिया की बात करें तो भारत ने 2 मैचों की T20 सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए जीता है। दूसरे T20 मैच में भारत ने 225 का बड़ा स्कोर बनाया। इसके बाद भी सिर्फ टीम इंडिया 4 रन से ही जीत पाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।